जिला बिलासपुर की ग्राम पंचायत कुटहला के कातला गांव में बन रहे कूड़ा संयंत्र के विरोध में स्थानीय गांववासी खुलकर विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस कूड़ा संयंत्र बनाने से कातला, बेपड़, पंगा, अपर पंगा, त्यून खास, निचली त्यून, चलौन, नालिया आदि गाँव के लोग इसके बनने से प्रभावित होंगे। यह कूड़ा संयंत्र सड़क के बिल्कुल साथ बनाया जा रहा है। इस सड़क से प्रतिदिन सैकड़ों बच्चे स्कूल को और ग्रामीण प्रतिदिन स्वालघाट को जाते हैं और साथ ही पानी के स्रोत भी है जो कि दूषित हो जाएंगे। प्राचीन काली माता मंदिर को भी श्रद्धालु इसी रास्ते से होकर जाते हैं। इस स्थान पर पहले भी कूड़ा फेंका जाता था, उस समय भी स्कूली बच्चों को बंदर और कुत्ते काट चुके हैं। भूमि दान देने वाले जीतराम पुत्र चूड़ा राम निवासी नारिया ने बताया कि मैंने भूमि दान की है पंचायत को, पंचायत वहां पर कुछ भी बना ले पर कूड़ा संयंत्र नहीं बनने देंगे। अगर पंचायत उनकी मर्जी के विरोध बनाती है तो वह अपनी भूमि वापस ले लूंगा। इसी समस्या को लेकर स्थानीय ग्रामीण BDO स्वालघाट और SDM स्वालघाट को विज्ञापन दे चुके हैं। स्थानीय ग्रामीण इस समस्या को लेकर नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर से भी मिले और अपनी समस्या बताई। मैं गुरमेल सिंह, प्रधान युवक मंडल कातला। तो हमारे जो कूड़ा संयंत्र ब्लॉक श्री नैना देवी जी का हमारे ग्राम पंचायत कुटैला में जो लगने जा रहा है, जिसका काम भी शुरू हो गया है, उस विषय में हम सब गाँववासियों जिसमें कातला, बेपड़, अपर पंगा, त्यून व चलौन के 5 गाँव के लोगों ने एक शिकायत पत्र SDM साहब को भी दिया, एक शिकायत पत्र BDO साहब को भी दिया और इसके साथ साथ जो अपना एक ज्ञापन जो है वो स्थानीय MLA ठाकुर रामलाल जी को भी दिया। तो उस विषय में जो है वो आज संज्ञान लेते हुए ठाकुर साहब खुद मौके पर आए। उन्होंने वहाँ जाके जो है वो कूड़े का जो स्थल वहाँ पे जो चिन्हित हुई है जगह वो देखी जाकर, और ठाकुर साहब ने जो है वो सभी गाँव वासियों को भी ये वहाँ पे आश्वासन दिया, और सबसे बढ़ के जो भूमि मालिक है जीतराम जी, उन्होंने भी इस बात का विरोध किया कि मेरे से जो ज़मीन गिफ्ट डेट ली गई थी वो ली गई थी किसी और काम के लिए कि 2 बिस्वे आप जगह दे दो, आपको जो है यहाँ एक छोटा सा प्रोजेक्ट लगा के 3-4 लोग आपके अंडर होंगे, आपको नौकरी मिलेगी। अब जब जीतराम जी को पता चला कि यहाँ तो कूड़े का कारखाना लगने वाला है, कूड़ा जो उसको बोलते हैं संयंत्र, फिर जीतराम जी ने जो है उसका हमारे साथ उन्होंने विरोध किया और एप्लीकेशन जो है उन्होंने 2 दिन पहले तहसीलदार स्वर्गाड जी को दे दी कि मैं जो है वो ज़मीन की अपडेट नहीं करूँगा। अगर उस जगह पर कोई सरकारी स्कूल, डिस्पेंसरी, सामुदायिक भवन या कोई आंगनबाड़ी केंद्र खोलना है तो मैं 2 बिस्वे और भी देने को तैयार हूँ। तो इस विषय में जो है वो विचार करते हुए हमारे आदरणीय ठाकुर रामलाल जी MLA श्री नैना देवी जी ने आश्वासन दिया कि ठीक है, ये जगह अच्छी नहीं है, कूड़े के लिए अच्छी नहीं है, जो यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य वो बहुत अच्छा है, यहाँ से मंदिर को भी रास्ता जाता है तो, और बिल्कुल सड़क के साथ है तो कोई बात नहीं भाई, जब कोई तैयार ही नहीं है गाँववासी और जब भूमि का मालिक ही तैयार नहीं है तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, इसको देखेंगे अभी रोकेंगे। तो उसके लिए हम सभी गाँववासी और युवक मंडल कातला ठाकुर रामलाल जी का इसके लिए धन्यवाद करता है। जय हिंद, जय भारत। आपका फैसला के लिए स्वारघाट से सुभाष चंदेल की रिपोर्ट।